को सिर पर राखिए, तीन लोग डरना। इस साखी में सदगुरु कबीर देव का संकल्प है, सत्संगियों को संबोधित करते हुए आश्वासन देते हैं, संकल्प लेते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति के शरण में आएगा, जो भी हत्या नहीं करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि गुरु को सिर पर राख, गुरु को, संत को, यदि कोई ईश्वरवादी है तो कहीं ईश्वर को, परमात्मा को अपने सर पर वो लेकर के चले। अब एक प्रश्न हो सकता है कि कोई व्यक्ति सदा भगवान को, गुरु को अपने मस्तक पर बैठा करके कैसे चल सकता है? और शिष्यों की संख्या 100,000 है और गुरु जी अकेले हैं और सब व्यक्ति सोए, गुरु जी हमारे माथे पर बैठे रहे तो गुरु जी को काट काट करके पनीर का पीस बनाना पड़ेगा, तब माथे पे लेके चला जा सकता। इतनी संख्या है कि पनीर का पीस भी बनावे तो भी गुरु जी की संख्या उतनी नहीं हो पाए। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, गुरु के स्थूल शरीर को हमें मस्तक पर बैठा करके नहीं चलना है। गुरु मतलब क्या? ज्ञान। सदगुरु कबीर ने भी समाधान किया कि गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य नहीं है। ज्ञान को अपने मस्तक पर कहिए, मस्तक में कहिए। किसी को हम गाली देते हैं तो गाली देने का सबसे पहले भाव बनता है मस्तिष्क के अंदर, भाव फिर क्रिया में परिणत होती है। हम किसी को गाली दे बैठते हैं, क्रोध का सबसे पहले भाव जगता है, विचार जगता है, अब वह विचार फिर व्यवहार में परिणत होता है। लोभ का विचार बनता, तो विचार कहाँ बनता है? मस्तिष्क में। यदि हमारे मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं तो फिर उसने गुरु का निवास कैसे? ईश्वर भागलपुर जिले के अंतर्गत कहलगांव है, उसी स्थान में कहलगांव नाम ही पड़ा है कोहल ऋषि के नाम, अष्टावक्र मुनि के जो पिता थे कोहल ऋषि, तो कोहल ऋषि का निवास स्थान, तप स्थान उसी जगह पर है। कोहल ऋषि के नाम पे पहले नाम था कोहल गांव, फिर धीरे धीरे हो गया कोल गांव, और फिर उसको शुद्ध करके रखा गया कहल गांव। तो ज्ञानियों का प्रदेश है, भगवान बुद्ध का वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो अपने आश्रम से मात्र 2-4 किलोमीटर हट करके, भगवान बुद्ध के जमाने में 10,000 सन्यासी वहाँ रह करके तपस्या का स्थान अभी भी वहाँ पर है। तो कोहल ऋषि के नगर से आते हैं कहलगांव, उसी के आसपास में धुआवे एक गांव है, वहाँ पर मेरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ। तो धुआवे में कार्यक्रम निर्धारित हुआ, वहाँ भागवत कथा भी हो रहा था उसी तारीख में, और उसी तारीख में मेरा सत्संग का प्रोग्राम भी रखा है। तो दोनों गांव वाले मिल करके आपस में विचार किए कि भाई एक ही दिन में सत्संग का भी प्रोग्राम रख लिए और एक ही दिन में कथा का भी प्रोग्राम रख लिए, तो दोनों एक समय में कैसे होगा? तो गांव वाले विचार करके निर्णय लिए कि ऐसा कीजिए कि कथा भी हो जाए और सत्संग भी हो जाए, तो दोनों के टाइम में अंतर कर दीजिए, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक सत्संग करवा दीजिए, 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कथा करवा दीजिए। तो टाइम में अंतर करके कार्यक्रम सुचारू रूप से चलने लगे। पहले उनके प्रवचन, मेरे प्रवचन सुन करके उनके कथा में लोग जाते थे, अब फिर उनका कथा सुनने के बाद दूसरे दिन मेरे प्रवचन में आ जाते थे। एक दिन प्रवचन करते करते मैं कर ही रहा था कि बीच में एक नवयुवक खड़ा हुआ, और नवयुवक वही कथा सुन करके मेरे प्रवचन में आया था। तो श्रीमद् भागवत कथा जहाँ होगी तो उसमें तो कृष्ण की जीवन लीला ही सुनाई जाएगी, तो वहीं से कुछ बात सुन करके आया था युवक,
बीच में प्रवचन के बीच में ही वो खड़ा हो गया और मुझसे पूछा कि गुरुजी एक बात पूछूं। तो जितने लोग प्रवचन सुन रहे थे उसने कहा बाद में पूछना, बैठो बैठो। लोगों को लगा कि पता नहीं सवाल जवाब में कुछ कि किसी भी प्रश्न से डरते नहीं। डरते हैं क्या? एक तो कबीर साहब संतों के सम्राट हैं, जिनके सामने सारा प्रश्न आने के बाद समाधान में परिणत हो जाता है, उत्तर में परिणत हो जाता है। और उसमें भी इस मंच पर बैठे हुए जितने प्रातिज्ञान संपन्न संत महापुरुष हैं, उनके विचारों को सुन सुन करके हम लोगों की खोपड़ी सारे तर्क से भरे पड़े हैं। तो उसमें कोई कितना भी कैसा भी तर्क करे तो उसमें हम लोग तो झुकने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उस व्यक्ति को हमने कहा कि लोग जो उसको बैठा रहे थे, हमने कहा नहीं खड़ा रहने दीजिए, पूछने दीजिए क्या पूछना चाहता है। वो युवक कहते हैं कि हम कथा सुन करके आए हैं गुरुजी, कथा में एक प्रश्न मन में पैदा हो गया, वो पूछना चाहता हूँ। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा कि कथा में जो प्रश्न तुम लेकर के, सुबह में भी मैंने कहा था कि प्रश्न कहीं और का हो उत्तर कहीं और नहीं ढूंढा जाना चाहिए, प्रश्न किसी और का हो तो उसमें उलझना किसी और को नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न अपना होना चाहिए और उत्तर भी अपना होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या अपनी और उसका समाधान भी अपना ही होना चाहिए, दूसरे के समस्या में उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस युवक से मैंने कहा कि प्रश्न आप वहाँ से लेके आए, उत्तर भी वहीं पूछ लेते तो अच्छा होता। खैर आ ही गए तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्संग को भी सुनते हैं और कथाओं को भी सुनते हैं, कथा में जाने के बाद बहुत सारी बातें बुद्धि में पचती नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि कृष्ण के जन्म की कथा वहाँ सुन रहे थे, तो जन्म की कथा में सुनते सुनते बताया कि देवकी के गर्भ से जैसे ही श्री कृष्ण का, तो जेल के अंदर फाटक अपने आप खुल गया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी खुल गई, वसुदेव जी कृष्ण को अपने माथे पर उठाए और लेकर के चलते बने, चलते 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 सारा बाधा हटता गया, बीच में जमुना नदी आ गई और नदी आने के बाद जो सावन भादो के महीने में समान नाले भी उफान मारने लगता है, और जमुना नदी की तो बात ही क्या है, सावन के महीने साधारण नाला भी नदी के जैसा बन जाता है, और जमुना नदी में कितना पानी होगा। और जमुना नदी में कथा यह कहती कि जमुना नदी को भी वसुदेव एकदम पैदल चलते हुए पार कर गए और कृष्ण को वहाँ नंद के यहाँ पहुँचा के फिर लौट भी आए। ये कैसे हो सकता है? उस युवक ने ये प्रश्न किया कि कथा में हम यह सुन करके आए हैं लेकिन मेरी बुद्धि में ये बात जचती नहीं है, मेरा विवेक इसको स्वीकार नहीं करता है। हम वहाँ पूछे तो नहीं, प्रश्न वहाँ का है लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। मैंने कहा कि इसका जवाब हम उसके तरीके से नहीं देंगे, वो उसके तरीके से देंगे तो कहेगा कि भगवान की लीला है, कुछ भी हो सकती है, परमात्मा का मौज है, कुछ भी हो सकता है। एक जगह तो लोग कह रहे थे कि एक पुरुष को ही बच्चा पैदा हो गया, पुरुष के पेट से बच्चा पैदा हो गया, दूसरा आदमी कि एक पुरुष को ही बच्चा पैदा हो गया, पुरुष के पेट से बच्चा पैदा हो गया, दूसरा आदमी खड़ा हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। का बोलो मत, परमात्मा की कृपा से सब हो सकता है। तो उस युवक से मैंने कहा कि कथाकार से यह प्रश्न किया जाता तो कथाकार इसका कोई जवाब नहीं देता, इतना कहता कि परमात्मा की लीला है, कुछ भी संभव है। लेकिन ये प्रश्न सदगुरु कबीर साहब के मंच के सामने लेकर के आए हो, इसे इसका तर्कपूर्ण उत्तर होना चाहिए, तर्कपूर्ण दिया जाना चाहिए। और उसी क्षण मैं जब थोड़ा बहुत चिंतन करना आरंभ किया तो सदगुरु कबीर की यह पंक्ति मुझे याद आई और कृष्ण के जीवन की वह घटना मुझे याद आई, तो दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा समानता दिखाई दी। सदगुरु कबीर के इस साखी को जैसे स्मरण किया कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहा ही कबीरता दास को तीन लोग डरना है, और भागवत के उस घटना को जब मैं सुना तो उसका समाधान मुझको सदगुरु कबीर की इस साखी में मिल रहा है। उस नवयुवक से मैंने कहा
कि बंधु मेरी कथा क्या कहती है। कथा यह कहती है कि जब तक कृष्ण का आगमन उस कारागार में नहीं हुआ था, तब तक देवकी और वसुदेव का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। ध्यान दीजिए, आपका भी जीवन कष्ट से भरा हुआ है, आपका भी जीवन समस्या से भरा हुआ है, आपके भी जीवन परेशानियों में गुत्थम गुत्थी है, आपके भी जीवन में पीड़ा है, आपके भी जीवन में दर्द है, आपके भी जीवन में आंसू है। कृष्ण के जो माता पिता थे देवकी और वसुदेव, उसके भी जीवन में दर्द था, उसके जीवन में पीड़ा थी, उसके जीवन में समस्या थी। लेकिन कृष्ण जैसे ही आए, वसुदेव ने सबसे पहले जैसे ही उसको उठा करके अपने माथे पे रखा, तो कथा यह कहती है कि जैसे ही कृष्ण को अपने माथे पर रखा, उसकी बेड़ियां हथकड़ियां खुलने लगी, कारागार खुलने लगे। ये तो छोटी मोटी समस्या है, अरे जमुना जैसी बाधा भी किसी के जीवन में आ जाए, तो यदि गुरु और कृष्ण जैसी प्रतिभा आपके मस्तक पर बैठ जाए, तो आपके जीवन से जमुना जैसी कठिनतम बाधा भी टल सकती है और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते। ये उस कथा का संदेश है। वसुदेव के मस्तक पर जब तक कृष्ण बैठा नहीं था, तब तक उसके जीवन में दुख था। उसके मस्तक पर कृष्ण बैठा तब, जब उसके मस्तक सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो गए। आप भी अपने मस्तक, आपके मस्तक के अंदर भी शराब का बोतल भरा हुआ है, आपके मस्तक के अंदर अभी खैनी का पुड़िया भरा हुआ है, आपके मस्तक के अंदर अभी बीड़ी का डब्बा भरा हुआ है, आपके मस्तक के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, आपके मस्तक के अंदर द्वेष, छल, प्रपंच, कला, कल्पना इत्यादि जितने विकारों की गिनती कर लीजिए, सारे विकार भरे पड़े हैं। और जब तक वह विकार रहेगा, जब तक आपके मस्तक के अंदर वह विकार भरे पड़े रहेंगे, तब तक उस जगह पर कभी गुरु विराजमान नहीं हो सकता, तब तक उस जगह परमात्मा विराजमान नहीं हो सकता। उपनिषद भी तो यही कहती है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा, कि हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर में वो परम सत्ता विराजमान है, ज्योति रूप, प्रकाश रूप में वह विराजमान है, ज्ञान रूप में वह विराजमान है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि मलिनताओं से वह ढका हुआ है, विषयों से वह ढका हुआ है, प्रपंचों से वह ढका हुआ है। जैसे ही आत्मा उन सारे विकारों का उच्छेद कर देगी, जैसे ही उन सारे विकार खत्म हो गए, यह आत्मा ही परमात्म स्वरूप हो जाएगा। यही बात महाभारत में भी कहा गया कि आत्मा क्षेत्र इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर्गुणा तेरे वितु विनिर्मुक्त परमात्मेति उदाहृतः, कि यह आत्मा क्षेत्रज्ञ है, आत्मा समान जीव है, आत्मा समान रूप में, साधारण रूप में दिखता है। कब? जब तक यह मायावी प्रपंचों के आवरण में लिपटा हुआ है। जैसे ही मायावी प्रपंच के आवरण इस आत्मा से अलग होता है, इस आत्मा पर से उतरता है, वैसे ही अपने ये परम पुरुषार्थ में आ जाता है, ये अपने परम स्वरूप में आ जाता है, अपने मूल स्वरूप में यह आत्मा आ जाती है। तो कहने का ये अर्थ है कि सदगुरु कबीर साहब की ये साखी भागवत कहती है कि वसुदेव के मस्तक पर जैसे ही कृष्ण बैठा, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। कथा का संदेश यही है। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, भागवत कहते कृष्ण को सर पर राखिए, और कबीर साहब कहते गुरु को सर पर राखिए। चलिए आज्ञा मान, कहां ही कबीरता दास को तीन लोग डरना है। गुरु आपके मस्तक पर बैठे, लेकिन कब? जब आपका मस्तिष्क सभी प्रकार के मनोविकारों से मुक्त होगा। मनोविकारों से मुक्त होने पर सब चीज उपलब्ध, सफलता उपलब्ध हो जाती है। यहाँ तक कि जिस परमात्मा की बात करते हैं, जिस ईश्वरत्व की बात करते हैं, अध्यात्म जगत में मोक्ष, ईश्वर, परमात्मा, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। व्यवहारिक चर्चा आप करें तो व्यवहारिक चर्चा करने पर लोग कहते हैं कि अरे सत्संग तो होवे नहीं किया, कुछ मत का ऐसा प्रभाव है, लोगों को ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा शब्द सुनाया गया है, केवल परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा, पता नहीं और नहीं कहेंगे, नहीं तो तकलीफ होगी किसी को। लेकिन इतना परमात्मा परमात्मा चिल्लाता है कि व्यवहारिक बातें यदि सत्संग में की जाती हैं, तो लोग जब पंडाल से निकल करके बाहर जाते हैं कि बात तो बढ़िया लगा सुनने में, लेकिन सत्संग नहीं हुआ।
बात बढ़िया लगा, सत्संग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? ईश्वर की बातें नहीं किया, परमात्मा की बात ही नहीं हुई, तो सत्संग कैसे बढ़िया? लोग ऐसी मानसिकता बना करके सत्संग में आते हैं कि उनके बातों के अनुरूप, उनके शब्द कौशल के अनुरूप यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तभी उसको लगता है कि सत्संग किया गया है, अन्यथा ऐसा नहीं। तो यदि आपको यह लगता है कि परमात्मा की भी प्राप्ति कैसे होगी, सफलता की तो बात छोड़ ही दीजिए, दुख से निवृत्ति की बात ही छोड़ दीजिए, खुल्लम खुल्ला शब्दों में कहिए कि परमात्मा की ही प्राप्ति कैसे होगी, तो उसकी भी प्राप्ति की शर्त इतनी सी है। भगवान श्री राम से रामचरित मानस के अंतर्गत कोई पूछने गया कि भगवान आप ये बताइए आप हमारे जीवन में कैसे आइएगा, आप हमारे घर में कैसे आइएगा, आप हमारे हृदय में कैसे आ गया, यदि आपको मैं बुलाना चाहूँ तो। आपके नाम पर धंधा चलाने वाले जो पंडित हैं उसके पास यदि हम जाते हैं तो वो तो कोई जंतर बता देते हैं, कोई तंत्र बता दे, कोई मंत्र बता देते हैं कि फलाने मंत्र का जप करो तो भगवान आ जाएंगे, फलाना जंत्र पहन लो तो भगवान आ जाएंगे, किसी तीर्थ में नहाने के लिए चले जाओ तो भगवान आ जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, कोई यज्ञ कर दो तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो प्रभु राम जी, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि आप जब सामने में आए हैं तो बीच में पंडित रूप में किसी मीडिएटर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बीच वाले से पूछेंगे, उनसे पूछते हैं तो अलग तरीका बताता है, दूसरे से पूछते अलग तरीका, तीसरे से पूछे अलग तरीका, तो सीधे जब भगवान के आमने सामने ही है तो मीडिएटर से पूछने की क्या जरूरत है। जब प्रधानमंत्री के सामने में ही है तो किसी चपरासी से पूछने की जरूरत क्या है, सीधे आप ही से पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि हमारे घर में कैसे आइएगा। भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि तुमको मेरे नाम का मंत्र जपना होगा तब हम तुम्हारे घर में आए, ध्यान से सुनिए। श्री राम ने ये नहीं कहा कि मेरा मंत्र जाप करोगे तभी मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना एकादशी व्रत करना तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि फलाने फलाने तीर्थों में जाकर के डुबकी लगाना मैं तब तुम्हारे घर आऊँगा। बल्कि श्री राम ने सीधा सा जवाब दिया जो सदगुरु कबीर साहब का मौलिक सिद्धांत है, जिसके विषय में सुबह में हम भी और हमारे अन्य संत गुरुजनों ने भी चर्चा किया कबीर साहब की उस वाणी को कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर के सिद्धांतों को पहचान लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, श्री राम के मुख से कहलवाना पड़ रहा है कि श्री राम जी से ही सीधे सब पूछते हैं कि आप मेरे घर में मेरे जीवन में कैसे आइएगा। श्री राम जी न कोई तंत्र की बात करते हैं, न कोई मंत्र की बात करते हैं, न कोई तीर्थ की बात करते हैं, न मूरत की बात करते हैं, न मंदिर की बात करते हैं। श्री राम जी स्पष्ट कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह पंक्ति में बना करके नहीं आ रहा, यह पंक्ति सदगुरु कबीर साहब के भी किसी साहित्य में नहीं मिलेगा आपको, यह पंक्ति रामचरित मानस की और श्री राम के मुख से कहलवाया गया है। श्री राम कहते हैं कि मैं उसके जीवन में आ सकता हूँ, मैं उसको प्राप्त, उसको मिल सकता हूँ, उसके घर में आ सकता हूँ। किसके घर में? निरमल मन जन सो मोहि पावा। अर्थ इतना कठिन नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, समझने लायक भाव है। अर्थ है कि जिस व्यक्ति का मन निर्मल होगा वो मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसमें ये नहीं कहा कि जो कबीरपंथी होगा उसको हम नहीं मिलेंगे, जो रामानंदी होगा उसी को हम मिलेंगे, जो उजला कपड़ा उजला कंठी माला पहनने वाला होगा उसको हम नहीं मिलेंगे, जो लाल चंदन टीका लगाने वाला होगा हम उसी को मिलेंगे, इसका भेद नहीं किया। ये नहीं कहा कि लाल कपड़ा जो पहना होगा उसको मिलेंगे, उजला वाले को हम नहीं मिलेंगे। कोई भेद नहीं, ना कपड़े का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, न मजहब का भेद, न स्त्री और पुरुष का भेद, न बैकवर्ड और फॉरवर्ड का भेद, किसी का भेद किए बिना
एक ही शर्त रखते हैं वो कि जिस व्यक्ति का मन निर्मल होगा वो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय और मस्तिष्क छल कपट ईर्ष्या द्वेषादि अवगुणों से भरे रहेंगे, जिसके मस्तिष्क पर गुरु की शक्ति गुरु का सिद्धांत गुरु का आदर्श विराजमान नहीं होगा, वह दुनिया का सारा कर्मकांड करते रह जाए किसी भी जन्म में किसी भी समय में मुझको प्राप्त नहीं कर सकता है। सबकी तो शर्त यही है, इतनी सी तो बात कह रहे हैं सब। तो गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहाँ ही कबीरता दास को तीन लोक डरना है। गुरु को मस्तक पे रखिए, गुरु को जीवन में धारण करिए। कुछ लोगों को यह लगता है कि गुरु की जरूरत क्या होनी चाहिए, भगवान की पूजा तो हम मंदिर में जाके कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा हम अकेले कर सकते हैं, तो बीच में गुरु बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन याद रखिए किसी भी भवन में प्रवेश करने के लिए जैसे दरवाजे की आवश्यकता होती है, कोई भी व्यक्ति किसी महल में, महल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, 84 कोस का बिल्डिंग कोई क्यों ना बना ले, लेकिन दरवाजा जो होगा वो दरवाजा 3.5 फीट का ही होगा और एक ही होगा। 84 कोस का हो सकता है, उसके दीवार इतने लंबे चौड़े हो सकते हैं, प्रवेश करने के लिए जैसे भवन में कोई प्रवेश करना है, अध्यात्म के भवन में कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसे गुरु रूपी दरवाजे होकर के ही प्रवेश करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। थोड़ा सा निवेदन और करो, हनुमान जी मंदिर में एक बार पहुंच गया और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हनुमान जी आप तो सर्व सिद्धि दाता हैं, ऐसा कीजिए कि मेरे जीवन के सारे दुख दर्द को दूर कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास आए हो, बड़ा गलत जगह आ गए। कहा क्यों? अरे भैया दुनिया का कोई भी चीज़ चलता है तो संविधान के अनुसार चलता है, मेरे संविधान को नहीं हो क्या? उस भक्त ने कहा कि हनुमान जी अभी तक तो हम एक ही जब बात जानते थे कि हिंदुस्तान का संविधान अंबेडकर ने लिखा है, बाकी भगवान देवी देवता का भी कोई संविधान होता है ये तो हम जानते नहीं। हनुमान जी ने कहा कैसे नहीं होता, राम राम जी का संविधान रामचरितमानस है, कृष्ण का संविधान गीता है, हम हनुमान है तो हमारा संविधान हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा कभी देखे हो कि नहीं? कहा देखे हैं। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं। सुने हो कि नहीं? हाँ सुने हैं। तो जब हनुमान चालीसा पढ़े हो, देखे हो, सुने हो, तो सब दुख को दूर करने के लिए सीधे मेरे पास कैसे आ गए? कहा पंडितों ने यही तो पढ़ाया अभी तक कि सीधे कुछ भी दुख आवे तो सीधे भगवान के पास चले जाओ। हनुमान जी ने कहा दूसरे लोगों के चक्कर में क्यों फंसते हो, मेरा संविधान पढ़ लेना चाहिए। लोगों ने कहा क्या कहना चाहते आप? हनुमान जी ने कहा कि मेरा संविधान हनुमान चालीसा यदि पढ़े हो तो ध्यान देना कि दुख से मुक्त होने के लिए मैंने उसमें उपाय बताया है। क्या उपाय बताया? श्री गुरु चरण सरोज रज। सुने हैं कभी कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं। हिंदुस्तान में जन्म लेना बेकार है आप लोगों का। यदि ये कहते नहीं सुने हैं तो हिंदुस्तान में जन्म लेना बेकार है, और सुने हैं तो समझे क्यों नहीं अभी तक? गुरु के शरण में सीधे दौरे दौरे आना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास में केवल लड्डू बताशा अगरबत्ती लेकर के आने से कोई काम बनने वाला नहीं। शुरुआत कहाँ से करना है? दरवाजा से प्रवेश करो ना सीधे। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये चौपाई सुने हैं? ये दोहा सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इसका अर्थ क्या करना है? यदि भगवान की शरणागति, भगवान के शरणागति का फल प्राप्त करना है, चारों फल जो दायक फल चार अर्थ धर्म जिसकी चर्चा गुरुदेव जी सुबह में कर रहे थे,
ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण की शरणागति सबसे पहले स्वीकार करो, गुरु को सबसे पहले अपने मस्तक पर धारण करो, और गुरु यदि आपके मस्तक पर अवस्थित हो गए, गुरु के आदर्श आपके मस्तक में अवस्थित हो गए, गुरु के चरण में आपकी प्रीति जुड़ गई, उसके बाद फिर जो आपके द्वारा भक्ति होगी उसके परिणाम में आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, आपके जीवन में सफलता आ जाएगी, आपका इहलोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। तो इस साखी पर थोड़ा सा निवेदन में किया कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहानी कबीरता दास को तीन लोग डरना है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे सिद्धांत लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो अकांड है, और यह वाणी